है आपका? लक्ष्मण। अच्छा अच्छा, हम लोग आ रहे हैं बाबा वैद्यनाथ से, चारों धाम उधर से हम लोग वहाँ गए, तिरपुर धाम गए, उसके बाद लक्ष्मण झूला गए, राजगीर गए, वहाँ से आते हुए हम लोग का रोड में पड़ता है गौतम बुद्ध का मंदिर। इसके लिए हम लोग आते हैं कि हमारा विष्णु अवतार से गौतम बुद्ध का जाने जाता है, तो हम लोग विष्णु अवतार हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ बाबा उनको से भेंट करने आते हैं, हम लोग दर्शन करने आते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में है, विदेशी लोग भी बहुत आते हैं, तो इसके लिए हमारे क्षेत्र में है, नज़दीक में है, तो हम लोग क्यों नहीं आ सकते हैं। ठीक, इसके लिए हम लोग ठीक है। आपका? सरोज कुमार जायसवाल। कहाँ से आ रहे हैं? हम जनपद जौनपुर से आ रहे हैं, यूपी से। अच्छा, यहाँ पर किस लिए आए हैं, किस निमित्त से? यहाँ भगवान बुद्ध के बारे में मुझे मतलब कि पढ़े थे, जानकारी थी, पर्यटन स्थल हुआ है, देखने के लिए आए हैं। मैं बैजनाथ धाम के लिए निकला हूँ। अच्छा, भगवान बुद्ध का भी पूजा अर्चना आपने किया? जी। क्या उद्देश्य, क्या सोच के किया? सोच के किया है कि भगवान बुद्ध भी एक मतलब जैसे हमारे यहाँ मान्यता है कि ये भी एक अवतार है, दसों अवतार में एक अवतार इनका भी है, इसी सोच करके हमने दर्शन करने आए हैं। अच्छा, कैसा लगा यह जगह? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक, एक मिनट। अच्छा बंते जी, क्या नाम है आपका? अच्छा बंते जी, हम देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में कमरिया भी आ रहे हैं यहाँ पर, आखिर क्या वजह है? यहाँ पे वो ये जो बुद्ध भगवान का जो मंदिर है, वो विश्व का गुरु है, इसके चलते यहाँ पे सब धार्मिक है, इसके चलते सब यहाँ पर आते हैं धार्मिक स्थान पर, और सभी लोग आते हैं यहाँ पर, चाहे बाबा धाम हो या चाहे और भी कोई भी देश का हो, इंडिया का हो या सभी देश का, सभी लोग यहाँ आके अपना मन मस्तक करते हैं और शांति मिलता है। मतलब कि सभी धर्म के लोग आते हैं? सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, कोई भी धर्म का हो, इंडिया में या चाहे विदेश में, ज़्यादातर तो विदेश में ये बौद्ध धर्म मान गए हैं, इंडिया का कोई भी धर्म हो, चारों धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी लोग यहाँ आकर के अपना शांति प्राप्त करते हैं और नमन करते हैं भगवान बुद्ध।